लिया है बेटर स्टॉक्स में से, दोनों में से निकल जाए। की सलाह यहाँ पर इस समय आशीष महेश्वरी की साफ राय एकदम आ रही है और स्टॉक्स में हमने देखा भी है काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। बहरहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक के हाल तो हम सब जानते हैं। अच्छा, पावर ग्रिड एनटीपीसी, हम पावर स्टॉक्स की चर्चा कर रहे थे, निचले लेवल से थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी जरूर देखने को मिली, करीब आधा परसेंट का उछाल आया है, लेकिन अभी भी आज 1.5-2% नीचे आपको पावर ग्रिड दिखाई देगा और एनटीपीसी भी डे लो से थोड़ी सी चाल अपनी सुधारने की कोशिश में इस समय लगा हुआ है। फ्यूचर्स के कुछ ट्रेड्स में टाटाकॉम जिसका हमने जिक्र किया, बीएल जिसका हमने जिक्र किया, गोदरेज कंज्यूमर पर एक राय आई और डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर एक राय आई, तेजी का ट्रेड यहां पर लोग लेकर गए हैं। मेट्रोपोलिस को भी आप मत भूलिएगा। पिरामल एंटरप्राइजेस वेरी क्विकली आशीष बहेती, 2364 पर आखिरी 5 मिनटों में कोई ट्रेड है क्या? तेजी आप कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? 3.5% ऊपर है स्टॉक जी, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ओआई बिल्डअप भी है और जिस हिसाब से वॉल्यूम है 1.4 मिलियन शेयर्स के, और जो जिस हिसाब से 2200 डेमा के ऊपर आज सरपास किया है, इसने रीगेन किया है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। गोदरेज सीपी में भी ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर बना है, तो हमें लगता है पीएल में ज़रूर एक बाइंग कही जा सकती है करंट लेवल पर एज अ बीटीएसटी, और हमें लगता है कि 2470 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो एसएल मेंटेन करना है वो है 2315 रुपये का एसएल मेंटेन करना है। और हर्षदा मैम, जो टाटा कम्युनिकेशन का ट्रेड हमने डिस्कस किया था, हमें लगता है कि 1350 का जो हमने टारगेट दिया था उसे थोड़ा सा अपग्रेड करके 1400 कर लेना चाहिए। स्टॉक में पिछले एक 15-20 मिनट में 30 रुपये का मूव आ गया, तो 1400 या 1390 का एक टारगेट के लिए बीटीएसटी से कैरी करना चाहिए। दिया है इनफैक्ट 1344 का हाई इसने छुआ, तो आपके 1350 के टारगेट के काफी करीब आया और अब आप कह रहे हैं आप 1390 या 1400 का टारगेट होना चाहिए। ये एक तगड़ा मोमेंटम ट्रेड और बहुत टाइमली आपने दरअसल ये स्टॉक पिक भी किया जहां पर आज हम देख रहे हैं करीब करीब 5-5.5% तक की तेजी दरअसल फ्यूचर्स में देखने को मिली है। वीरू जी, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टैट्स को देखते हैं। आज क्लोजिंग बेसिस पर आप देखें जो डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ, लॉन्ग और शॉर्ट साइड में सेक्टर स्पेसिफिक कैसा रहा और स्टॉक स्पेसिफिक कैसा रहा। अगर मैं आपको हीट मैप दिखाऊं, वो स्टॉक्स जो कि आज काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप देखें, IDFC और नैम इंडिया और टाटा पावर हायर लेवल से खराब देखें, काफ़ी शॉर्टिंग हुई इसमें। कंटेनर कॉर्प, तो यानी आज का जो लगभग आखिरी के 2 घंटे थे वो एग्जैक्टली कल के जो ओपनिंग के शुरुआती 2 घंटे थे उसका इन्वर्स था। यही वो स्टॉक्स थे जो कल चल रहे थे। डिक्सन, टाइटन में आप देखें, टाइटन अपनी क्वार्टरली कमेंट के बाद अगर आप देखें आज बैकफुट पे आया और ये कल यतिन ने आपको एक शॉर्ट कॉल भी थी डीडी रूम में। GNFC, IEX, हिंदुस्तान कॉपर, बाटा इंडिया, HDFC इंडिया फर्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक माफ कीजिएगा, ये सब आज डे लो पर, और मैकडोवल्स, डेल्टा कॉप और चोला फाइनेंस, ये कुछ कंपनीज जो कि बैकफुट पे रहे। लॉन्ग बिल्डअप आज डिफेंस अगर आप देखें तो आज बड़ा एक ऑफेंसिव सब मूव लेके बैठा था। BEL 6.7%, टाटा कम्युनिकेशन उसमें अगर आप देखें अच्छी तेजी थी, डॉक्टर लाल पैथलैब, गोदरेज सीपी, पिरामल एंटरप्राइजेस, उसके बाद HEL अगेन अ डिफेंस स्टॉक आज डे हाई पर बंद हुआ ऑलमोस्ट, और शायद मेरे ख्याल से मैं सही हूँ तो इट्स अ ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर द HEL। साथ ही साथ ल्यूपिन और ICICI और LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल पॉलिसी से पहले अगर आप देखें ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो थी जिसमें अच्छा मूव था, और एक कैनफिन होम जिसने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया। बाकी अगर आप देखें मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग अपने साथ कल के लिए कैरी करके गए। खैर, ये था डेरिवेटिव्स का हाल, लेकिन वॉल पे चलते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें इस क्लोजिंग को समझने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू, और देखिए 16 17 6 20